शास्त्री नगर स्थित भारत विकास परिषद भवन में वी क्लब गौरव का शुभारंभ एवं शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें क्लब अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा, सचिव ललिता विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष ललिता पनगड़िया को मंजू पोखरना ने शपथ दिलाई। क्लब अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा ने बताया कि क्लब का उद्देश्य कोरोना महामारी के तहत जन जागरूकता पैदा करना, स्वयं को सुरक्षित रखना। सचिव ललिता विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना काल में सबने बहुत कुछ सीखा है, सभी ने आत्मनिर्भर होकर अपने अपने कार्य किए। चूरियामुरा शिक्षा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थान की ओर से बुधवार को स्थानीय सेठ मुरलीधर मानसिंगा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया गया। संस्था सचिव हेमलता अग्नानी ने बताया कि मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष व विधानसभा प्रत्याशी अनिल डांगी, अध्यक्ष पूर्व सभापति नगर परिषद व पार्षद मंजू पोखरना, प्रधानाचार्य आशा लड्डा ने विद्यालय परिसर में अशोक व हार सिंगार के पौधे लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों ने पौधे वितरित भी किए। कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरावरपुरा के प्रधानाचार्य रमेश अग्नानी, राजकुमार शर्मा, संजय दादीच, महेश तोमानी, संस्था सदस्य दलपत सिंह जैन, सुनीता खापिया, गायत्री चौहान, रेखा ने भी उपस्थित रहकर पौधे लगाए। विद्यालय के गोपाल लाल माली ने पौधों को बड़ा होने तक सुरक्षा व पानी पिलाने की जिम्मेदारी ली। सड़क हादसों में हो रही मौतों में कमी लाने के उद्देश्य से लायंस क्लब के द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण अभियान की शुरुआत की गई। बुधवार को यातायात थाने में शुरू हुए इस अभियान के तहत जरूरतमंद बिना हेलमेट के वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरण किए गए। लायंस क्लब पिलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के सचिव लायन ऋषि भटनागर ने बताया कि कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता अभियान के तहत संगम यूनिवर्सिटी भिलवाड़ा में लायंस क्लब भिलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के द्वारा मास्क का वितरण किया गया। संगम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर केपी यादव व रजिस्ट्रार डॉक्टर ओपी गुप्ता ने सुरक्षा प्रहरी व सहायक कर्मियों को मास्क वितरित किए। इस अवसर पर ऋषि भटनागर ने कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने, मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखने के बारे में बताया। साथ ही कोरोना के संक्रमण काल में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सुरक्षा प्रहरियों का आभार व्यक्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर भिलवाड़ा के कला वर्ग का परीक्षा परिणाम गुणात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट रहा। कला वर्ग के छात्र सुशील शर्मा ने 87.7% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्था प्रधान कल्पना शर्मा एवं विद्यालय परिवार ने मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मेधावी छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु मार्गदर्शन भी दिया गया। इस अवसर पर नंदकिशोर जोशी, सीमा गोयल, विजय गुप्ता आदि मौजूद थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा घोषित कक्षा 12 कला वर्ग के परिणाम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुपाहली के छात्र छात्राओं ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया। संस्था प्रधान नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुपाहली का 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कुल प्रविष्ट 25 विद्यार्थियों में से प्रथम श्रेणी में 22 व द्वितीय श्रेणी में 3 विद्यार्थी रहे। विशाल जाट, किस्मत जाट ने 83.7% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। संस्था प्रधान ने सभी स्टाफ तथा छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया।